फ्रेंड्स, आज हम ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। अपने 30 साल के रेसलिंग के करियर में सबके दिलों पर राज करने वाले द फिनोम द अंडरटेकर के बारे में। भले ही अंडरटेकर ने 21 जून 2020 में रिटायरमेंट ले लियो, पर अंडरटेकर सबके दिलों में राज करते हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं मार्क विलियम केलवे के बारे में, यानी कि द अंडरटेकर के पूरे लाइव स्टोरी के बारे में। लेकिन उससे पहले, अगर आप अंडरटेकर के सच्चे फैन हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। जो रेसलिंग को काफ़ी पुराने टाइम से फॉलो कर रहे हैं, इस रेसलिंग के दुनिया में अंडरटेकर भी थे जिन्होंने सबका दिल जीत लिया था। WWE में कई रेसलर्स आए और कई रेसलर्स गए भी, लेकिन अंडरटेकर जैसा कोई रेसलर आज तक हमने WWE में देखा नहीं है। अंडरटेकर अपने करियर में 3 बार वर्ल्ड हेवीवेट चैम्पियनशिप अपने नाम कर चुके हैं और WWE चैम्पियनशिप अपने नाम कर चुके हैं 4 बार, और वो टैग टीम चैम्पियनशिप भी अपने नाम कर चुके हैं रॉक, ऑस्टिन एंड केन के साथ, और हार्डकोर चैम्पियनशिप भी अपने नाम कर चुके हैं, और अंडरटेकर रॉयल रंबल 2007 का विजेता भी रह चुके हैं। और अंडरटेकर के नाम ऐसा रिकॉर्ड है जो कि 21 रिसेंट महीने तक उन्हें कोई नहीं हरा पाया। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसलिंग लेजेंड्स द अंडरटेकर की लाइफ स्टोरी शुरुआत से जानते हैं। अंडरटेकर का जन्म 24 मार्च 1965 ह्यूस्टन, टेक्सास, US में हुआ। उनके पिता का नाम फ्रैंक कुंटन केलवे था, जिनकी मृत्यु 22 जुलाई 2003 में हुई। अंडरटेकर ने अपनी शुरुआती पढ़ाई वॉल्ट्रिक हाई स्कूल में की, जहाँ पर उन्हें स्पोर्ट्स से काफ़ी ज़्यादा लगाव था। वो वहाँ पर बास्केटबॉल एंड फुटबॉल खेला करते थे। 1983 में उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और एंजेलिना कॉलेज में उन्होंने एडमिशन ले लिया, जहाँ पर वो बास्केटबॉल खेलते खेलते वहाँ पर उन्होंने सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, जिसे उन्हें स्कॉलरशिप भी मिली। पर अंडरटेकर का मन इसमें नहीं था, अंडरटेकर को रेसलिंग में आगे बढ़ना था। और उन्होंने 1984 में वर्ल्ड क्लास चैम्पियनशिप रेसलिंग में गए और वहाँ पर उन्होंने अपना रिंग नेम टेक्सास रेड रखा, और उसी नाम से उन्होंने अपना पहला मैच लड़ा और अपना पहला मैच ही ब्रूसर बॉडी से हार गए। उसके बाद अंडरटेकर को लगा कि मुझे और भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, तो उन्होंने और भी ज़्यादा ट्रेनिंग और वर्कआउट करना शुरू कर दिया। और पूरे 4 साल तक अंडरटेकर ने काफ़ी जी जान लगा दी और वो फिर से रेसलिंग में उतरे, और उन्होंने द मॉन्स्टर ऑफ पेन नाम से उन्होंने फिर से रेसलिंग की, और उन्होंने जेरी लॉयर को वहाँ पर हरा दिया, और यूनिफाइड वर्ल्ड हेवीवेट चैम्पियनशिप का किताब उन्होंने अपने नाम कर लिया। और 5 अक्टूबर 1989 में द पनिशर नाम से वो फिर उन्होंने फिर से रिंग में कदम रखा, और उन्होंने एरिक एमरी को हरा कर टेक्सास हेवीवेट चैम्पियनशिप अपने नाम करी। और 1990 में उन्होंने वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन यानी कि WWE में कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग कर लिया, और उन्होंने अपना पहला मैच 22 नवंबर सर्वाइवर सीरीज में खेला, जो कि उनका डेब्यू मैच था, जिसमें अंडरटेकर ने कोको वरी को सिर्फ 1 मिनट में हराया। और आगे भी अंडरटेकर के जीत का सिलसिला चलता रहा। उन्होंने हल्क होगन, जिमी सुनुका, रिक फ्लेयर जैसे कई बड़े बड़े सुपरस्टार का उन्होंने हराया। अंडरटेकर पहले ऐसे रेसलर है जो कि 22 महीनों तक अपने एक भी मैच नहीं हारे, जो कि काफ़ी बड़ा रिकॉर्ड है। पर लेकिन एक मैच में योकोजुना ने अंडरटेकर को काफ़ी ज़्यादा इंजर कर दिया। उसके बाद अंडरटेकर को उन्होंने कास्केट में पटक दिया। उसके बाद अंडरटेकर 7 महीनों तक WWE से बाहर रहे। रेसल मीना 25 में शॉन माइकल एंड अंडरटेकर का मैच हुआ। ये मैच मानो तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन था। इस मैच में अंडरटेकर ने शॉन माइकल को हराया, और जो कि काफ़ी बड़ा इमोशनल मोमेंट था शॉन माइकल एंड अंडरटेकर के लिए, क्योंकि वहाँ पर शॉन माइकल एंड अंडरटेकर की मैच रेसल मीना जैसे ग्रैंड स्टेज में हो रही थी, और वहाँ पर क्योंकि शॉन माइकल अंडरटेकर को उकसाते रहते थे मैच के लिए, और वहाँ पर इनकी मैच रेसल मीना में रखी गई थी, जो कि हुआ था रेसल मीना 25 में। और मैच फैंस ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था, और रेसल मीना में ही अंडरटेकर के नाम काफ़ी बड़ा रिकॉर्ड है, जो कि 21 रेसल मीना में अंडरटेकर को कोई नहीं हरा पाया। लेकिन अंडरटेकर के लिए दुख जब हुआ, जब ही अंडरटेकर की स्ट्रीक ब्रॉक लेसनर ने तोड़ी थी रेसल मीना में, जो कि अप्रैल 2014 में ब्रॉक लेसनर ने अंडरटेकर की स्ट्रीक तोड़ी थी, जो कि था रेसल मीना 30। उसके बाद अंडरटेकर को रेसल मीना 33 में रोमन रेंज ने भी हराया,
उसके बाद सबको ये लगा था कि अंडरटेकर अभी रिंग में नहीं दिखेंगे, लेकिन अंडरटेकर फिर से रेसलमेनिया दिखे और उन्होंने जॉन सीना को हराया। और इस साल की भी रेसलमेनिया में अंडरटेकर लड़े और उन्होंने एजे स्टाइल को हराया। और अंडरटेकर ने 21 जून 2020 में अपना रिटायरमेंट ले लिया है और WWE ने उन्हें थैंक यू भी कहा है। और अंडरटेकर हमें इस बार के सर्वाइवर सीरीज में देखने को मिले थे और WWE ने काफ़ी ज़्यादा स्पेशल फेयरवेल रखा था अंडरटेकर के लिए। तो फ्रेंड्स, ये थी अंडरटेकर की बायोग्राफी, या फिर आप कह सकते हैं लाइफ स्टोरी, जो कि उनके लाइफ से जुड़ी है, एक तरह से इनकी लाइफ स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिए, साथ ही साथ आप अंडरटेकर के सच्चे फैन हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं और इंस्टाग्राम पे बातचीत कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब तक के लिए इतना, गुड बाय, टेक केयर।